मैं पौलुस जो तुम्हारे रूबरू आजिज और पीठ पीछे तुम पर दलेर हूँ, मसीह का हिल्म और नरमी याद दिलाकर खुद तुमसे इल्तमास करता हूँ, बल्कि मिन्नत करता हूँ कि मुझे हाजिर होकर उस बेबाकी के साथ दलेर ना होना पड़े जिससे मैं बाज लोगों पर दलेर होने का कसद रखता हूँ, जो हमें यूं समझते हैं कि हम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक पलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचा हम तसव्वुरात और हर ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए हैं ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं, और हम तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारी फर्मा बरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें। तुम उन चीज़ों पर नज़र करते हो जो आँखों के सामने है। अगर किसी को अपने आप पर यह भरोसा है कि वो मसीह का है तो अपने दिल में ये भी सोच ले कि जैसे वो मसीह का है वैसे ही हम भी हैं, क्योंकि अगर मैं इस इख्तियार पर कुछ ज़्यादा फ़ख्र भी करूं जो खुदावन ने तुम्हारे बनाने के लिए दिया है ना के बिगाड़ने के लिए, तो मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। क्योंकि कहते हैं कि उसके ख़त तो अलबत्ता मौसर और ज़बरदस्त हैं, लेकिन जब खुद मौजूद होता है तो कमज़ोर सा मालूम होता है और उसकी तकरीर लुचर है। बस ऐसा कहने वाला समझ रखे कि जैसा पीठ पीछे खितों में हमारा कलाम है वैसा ही मौजूदगी के वक्त हमारा काम भी होगा, क्योंकि हमारी ये जुर्रत नहीं कि अपने आप को उन चंद शख्सों में शुमार करें या उनसे कुछ नस्बत दें जो अपनी नेक नामी जताते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को आपस में वजन करके और अपने आप को एक दूसरे से नस्बत देकर नादान ठहरते हैं। लेकिन हम अंदाज़े से ज़्यादा फ़ख्र ना करेंगे बल्कि उसी के अंदाज़ा के मुवाफिक जो खुदा ने हमारे लिए मुकरर किया है जिसमें तुम भी आ गए हो, क्योंकि हम अपने आप को हद से ज़्यादा नहीं बढ़ाते जैसे कि तुम तक ना पहुँचने की सूरत में होता, बल्कि हम मसीह की खुशखबरी देते हुए तुम तक पहुँच गए थे। और हम अंदाज़े से ज़्यादा यानी औरों की मेहनतों पर फ़ख्र नहीं करते, लेकिन उम्मीदवार हैं कि जब तुम्हारे ईमान में तरक्की हो तो हम तुम्हारे सबब से अपने इलाके के मुवाफिक और भी बढ़ें, ताकि तुम्हारी सरहद से परे खुशखबरी पहुंचा दें ना कि गैर के इलाका में बनी बनाई चीज़ों पर फ़ख्र करें, क्योंकि जो अपनी नेक नामी जताता है वो मकबूल नहीं बल्कि जिसको खुदावंद नेक नाम ठहराता है वही मकबूल है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।